चीज इज टॉर्टोइज। ये क्या है? टॉर्टोइज है। और वो टॉर्टोइज की टाइप कौन सी है? वो रेप्टाइल है। क्या है? वो रेप्टाइल है। रेप्टाइल किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स अपने टमी से चलते हैं। जो एनिमल्स अपने टमी से चलने वाले हैं, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। ओके, जैसे कि टॉर्टोइज। फिर नेक्स्ट स्नेक। स्नेक भी अपने टमी से चलता है। देखो, वो यहाँ से चलता है ऐसे। तो ये एक रेप्टाइल है। क्या है? रेप्टाइल। फिर नेक्स्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज ऑल्सो अ रेप्टाइल। क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, क्योंकि वो भी अपने टमी से आगे आगे चलता है। जंप नहीं करता है वो, सिर्फ जंप अपने टमी से ही चलता है क्रोकोडाइल। फिर लिजार्ड। लिजार्ड अपने टमी से चलती है, इसलिए वो भी एक रेप्टाइल है। फिर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे चलता है? आपने देखा है कभी? ऐसे ऐसे चलता है। तो वो भी क्या हुआ? रेप्टाइल। ठीक है। हेलो किड्स, नाउ इट्स अ वर्कशीट टाइम। एंड वर्कशीट इज कलर द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स व्हाट? जो एनिमल्स होते हैं टमी से चलने वाले। जो एनिमल्स अपने टमी से चलते हैं, उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे अलग अलग एनिमल्स है, वैसे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स अपने टमी से चलते हैं, जंप नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने टमी से चलते हैं। और जो एनिमल्स एग्स देते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब एनिमल्स है, उसमें से आपको सिर्फ रेप्टाइल्स में कलर करना है। जैसे कि स्नेक। स्नेक रेप्टाइल्स है, वो अपने टमी से चलता है। यस, तो आपको स्नेक में कलर करना है। फिर फ्रॉग। फ्रॉग जंप करता है, तो वो रेप्टाइल्स नहीं है। टॉर्टोइज रेप्टाइल्स। यस, टॉर्टोइज भी एक रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल। यस, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल। रैबिट। नो, रैबिट जंप्स, इसलिए वो जंप करता है, तो वो रेप्टाइल नहीं है। लायन। नो, लायन वॉक करता है ना। यस, रैबिट जंप करता है। रैबिट एंड लायन नहीं, उसमें कलर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्नेक, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल। थ्री एनिमल्स आर रेप्टाइल्स, स्नेक, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल। ये थ्री पिक्चर्स में आपको कलर करना है। ओके, जो एनिमल्स अपने टमी से चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज इज ट्रेस एंड राइट। ट्रेस एंड राइट, टू लेटर वर्ड्स, एन ओ, ओ एन ऑन, ओ एफ ऑफ, ओ आर और, ओ एक्स ऑक्स, एस ओ सो, टी ओ टू, यूपी अप,
USUS WEV NO no ON on OF off OR or OX ox SO so TO two UP up US us WEV. Next page is fill in the missing numbers. आपको कैटरपिलर में नंबर्स फिल अप करने हैं, मिसिंग नंबर्स जो है वो आपको फिल अप करने हैं। यहाँ पे 5454 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 51 से हमें स्टार्ट करना है। 5151 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7070. नेक्स्ट 71 से स्टार्ट करना है, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 ये 51 to 100 मिसिंग नंबर्स आपको फिल अप करने हैं। हेलो किड्स, नाउ वी विल डू क्रिएटिव टाइम। आज हम क्रिएटिव टाइम में कुछ न्यू करेंगे। आज हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? तुर्की हेडबैंड ना। टुडे वी विल डू तुर्की हेडबैंड। विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी? आज के एक्टिविटी के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि एक पिंक कलर की स्ट्रिप्स कट की है, मार्कर, ग्लू, फीडर्स, व्हाइट कटआउट्स एंड अ वन ट्रायंगल ऑफ देन अ ब्लैक सर्कल, ब्लैक कलर का एक सर्कल कट किया है। नाउ वी स्टार्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, ऐसी जो एक स्ट्रिप्स कट करके रखी है उसको तो हम पहले स्टिक कर देंगे ग्लू लगा के, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको स्टिक कर देंगे। ओके, सर्कल जैसा शेप बन गया ना। यस, नाउ ये ब्लैक सर्कल जो है ना, वो ब्लैक सर्कल को हम यहाँ पर स्टिक करेंगे ना, ऐसे यहाँ पे उसको स्टिक कर देना है। ये ब्लैक सर्कल है वो यहाँ पर स्टिक कर दिया हमने। अब ये जो व्हाइट सर्कल्स है उसको हम उसकी तुर्की की आइस बनाएंगे, है ना। जो व्हाइट सर्कल है उससे तुर्की की आइस बनेंगे। एंड दिस वन इज अ बीक, उसकी चोंच जो होती है ना, वो बर्ड्स की चोंच कैसी होती है, ये
उसकी बीक है ना, भी हम उसकी यहाँ पे बीक स्टिक करेंगे। ये उसकी पीक बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्कर है ना, मार्कर का यूज करके उसमें ब्लैक सर्कल, व्हाइट जो सर्कल है उसमें ब्लैक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही आपको टू सर्कल में ब्लैक मार्कर से उसकी आइस बना देना है ना। बन गई उसकी आइस। अभी ये जो फीडर्स है, वन वन फीडर्स लेकर हम उसको यहाँ पर स्टिक करेंगे है ना। ओके चलो, पहले तो इसको मोड़ देते हैं है ना, थोड़ा टर्न कर देते है ना। ग्लू स्प्रेड करने के बाद ये जो फीडर्स है वन वन करके हम यहाँ पे स्टिक करते जाएंगे। सो सॉफ्ट ना, कितने मस्त लग रहे हैं फीडर्स। यहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे और वन वन करके ये सब फीडर्स है उसको हम स्टिक कर देंगे ना। जब तक सूख ना जाए तब तक हमें इसको टच नहीं करना है ना। देन नाउ यू कैन फाइंड दिस, अब ये देख सकते हो ये क्या बन गया, तुर्की हेडबैंड। We like this activity. आपको ये एक्टिविटी में मजा आया?